हैवला वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स चैनो आई होप यू आर ऑल डूइंग यू वेल हेल्दी हैप्पी सेव इन सैन सो गाइज़ आज की रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मेरी आपकी शादी किससे होगी कब होगी एवरी थिंग अबाउट योर अपकमिंग फ्यूचर स्पाउस योर फ्यूचर पार्टनर ओके सो यू नीड टू चूज योअर पायल हीयर पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू ठीक है यहाँ आपके बर्थ डेट्स हैं आप अपना पायल चूज़ कर सकते हो नाउ वो लोग जो ट्यूटिव ग्रुप चूज़ करते हैं आपके लिए मैंने दो बैटर रखी हैं पायल नंबर वन ये ऑरेंज एंड और येलो मिक्स एंड पायल नंबर टू तो, ये ब्लू ब्लैक एंड वाइट मिक्स ओके सो चूज योर पायल हाओ एवर यू लाइक दिस आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग आपके टाइम्स सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड येस आई वेल सी यू देयर हेलो लव पायल नंबर वन हेलो वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर वन सो वो लेट्स सी आपके लिए क्या आने वाला है वो किस किस से होगी आपकी शादी और uh, क्या रहने वाले हैं तो सारे वेयर अबाउट्स क्या उनके डिटेल्स हैं वो विल यू फाइनली मैरी ओके लेट्स सी पायल नंबर वन आपके लिए है फाइव ऑफ सोर्स रिवर्स ओके रिवर्स एनर्जी एंड Princes of swords Reverse, Three of Wands Upright, and एंड getting Ten of Wands Reverse. रिवर्स well, group number one यहाँ पर energy बहुत ही आ, उस तरह की आया है जहाँ पर आपको आपके जैसे बैक से कोई बर्डन नहीं हटता ठीक है बिकॉज आई थिंक आप काफ़ी रहे हो बर्डन में पीछे या तो पास रिलेशनशिप्स में या फिर किसी स्टडी वगैरह में या यू नो करियर परेशानियाँ ठीक है तो ये चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ही शुरू से ही बल्कि मुझे तो लिख रहा है यहाँ पर बचपन से आप लोग काफ़ी रहे हो स्ट्रेस में कि क्या होना है क्या करना है फ्यूचर 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 एवरी थिंग अबाउट फ्यूचर टेंशन ठीक है तो आई थिंक आपकी जो शादी है आपकी डिस्पाउस है वो आपको काफ़ी रिलीफ देंगे आपकी टेंशन परेशानियों से ठीक है लेकिन यहाँ पर एक बात वर्थ मेंशनिंग है फाइल नंबर वन कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आके कि के आपको सेव करेंगे या वो आके आपको इतने सारे पैसे देंगे और आप अपने करियर को भूल जाओ ठीक है इवन इफ़ ही डज अगर वो करते भी हैं ऐसे स्टिल यू नीट टू परस्यू योर करियर मैं आपको आपके करियर सेट आने की बात ये नहीं कर रही हूँ ठीक है और मैं आपको इसलिए कर रही हूँ कि आप रिलैक्स हो जाओ कि भैया ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बस मैं बैठ जाऊँ हाँ में हाथ धर के ऐसा नहीं है ओके okay? आपको आपका करियर परस्यू करना है आपको आपकी लाइफ बनानी ही बनानी है लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है आपके स्पाउस की दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी रिलीविंग यू फ्रॉम बर्डन ओके तेन ओ वट्स रिवर्स ये पूरा आपके ऊपर जो बर्डन है ये वो रिवर्स करने आएंगे उतारने आएंगे ठीक है और सब फॉर अ फ्यू ऑफ यू यहाँ पे थ्री ऑफ है मे बी आपने बहुत ज़्यादा ही फेट किया है अपने पर्सन का या आपको मज़ीद आपको लगता है कि आपको और शायद वेट करना पड़े इनका ठीक है लेकिन बात यह है पाइल नंबर वन कि ज़रूरी नहीं है कि जो जो दिखता है वैसा हो भी ठीक है ना जो दिखता है वैसा हो भी ऐसा नहीं है दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एनर्जी है आपकी आपके पॉजिटिव रहने की है दूसरी बात है कि लाइक मे भी आप स्टडी के सिलसिले में ही बाहर चले जाओ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी यह ब्रॉड वाइब्स हैं यहाँ ये यह बंदा ही फॉरनर हो ठीक है फॉरनर हो टू ऑफ सोर्सवर्सियस आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपको क्लोशर मिल जाएगा आपको बहुत जल्द एक खुश खबरी गुड न्यूज़ मिलेगी पॉसिबिलिटी हैं आप किसी को लेकर के किसी को लेकर के आप शक में हो, या आप किस कुछ क्लैरिटी चाहते हो कि ये वो है या नहीं या वो मेरे साथ सिंसियर है कि नहीं बहुत जल्द अगले दो महीने के अंदर अंदर आपको वहाँ से क्लियर कट आंसर मिल जाएगा कि वो आपके लिए राइट हैं कि नहीं ठीक है ए नाइट ऑफ कप्स दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू प्रपोजल ओके लेकिन ये रिवर्स में आया है कोर्स ये जो प्रपोजल है जिसके साथ आपकी शादी होनी है पायल नंबर वन पॉसिबिलिटी है कि पर्सन हो सकता है कोई जान पहचान वाला हो क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी या इसने पहले आपको प्रपोज करा हो या इसने अभी कभी पेरेंट्स इससे बात करी हो कुछ तो है कुछ तो ऐसा है कि जो धक्का चिपा Uh, नहीं है इतना आपसे ओके okay? यहाँ आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा है चाहे ज़ीरो पर वन परसेंट ही है लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ है नो uh, no हो ये कौन है ठीक है किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स लेकिन यहाँ आई थिंक पॉसिबिलिटी है आपसे बंदा डायरेक्ट बात नहीं करेगा क्योंकि यहाँ तो उसको लगता है फ़ायदा नहीं आपसे बात करने का डायरेक्ट या फिर वो अपने किसी बड़े को इन्वॉल्व करेगा ओके कि वो किसी बड़े को इन्वॉल्व करेंगे या आपके बड़ों से बात करेंगे एल्डर्स से आपके घर रिश्ता बजवाएंगे और यहाँ पर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आई थिंक इस परसन ऐसे डिसाइड किया है कि वो अब मज़ीद आपको मज़ीद ख्वाब नहीं दिखाएंगे अब वो इन ख्वाबों को सर्च करके दिखाएंगे इन सपनों को सर्च करके दिखाएंगे बिकॉज दिस पर्सन इज़ यू नो टू मच इन प्रैक्टिकल लाइक एनर्जी के मुझे प्रैक्टिकल होना है और लाइक like, ये वो इस तरह का चीज़ है ओके okay? तो दिस इज़ हाउ आई आई एम सींग दिस एनर्जी पर नंबर वन लसी मोर क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स ऑलो दिस इज द्वीन ऑफ सोर्स अपराइट दो क्वींस हैं आई बिलीव कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके और उनके फैमिली में कोई स्टेटस डिफ्रेंस हो कुछ किसी चीज़ का या कास्ट कोई और है या बिकॉज आई बिलीव कि यहाँ पर अरेंज मैरिज की काफ़ी हाई वाइब्स हैं लेकिन कुछ मिस मैच है भाई कुछ मिसमैच है एक पेज पर दोनों फैमिलीज इतनी जल्दी नहीं आने वाली लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस किंग ऑफ कप्स ओके या तो ये बनना आपसे प्यार इतना करता है कि इसकी मोहब्बत जीतेगी ये कन्विंस कर लेगा अपने पेरेंट्स को और अगर ये किसी कारण नहीं भी यू नो कन्विंस कर पाती है फॉर एग्जांपल तो आई बिलीव कि ये एनर्जी ऐसी है कि आई uh, थिंक जो इनके फ़ादर हैं ठीक है थीके? इनके जो फादर हैं जो लड़का है उसके फादर की बात कर रही हूँ मैं इज़ लिटरली गोना प्लेज रोल अगर उनके फ़ादर नहीं हैं तो उनके ग्रैंडफादर। लेकिन ये लड़के की साइड से कोई मेल फिगर है फैमिली में जो क्या के बड़ा रोल प्ले करेगा और लिटरली सॉर्ट आउट ऑल द थिंग्स सन रिवर्स आई थिंक हो सकता है आपकी शादी नाइट फंक्शन हो सारा या ये बंदा आपको रात के समय मिला हो समथिंग टू डू विद नाइट टाइम ठीक है तो आप रेजोनेट कर सकते हो कि क्या सीन है या ये लोग हो सकते हैं रात के समय आएँ ऐसा रिवर्स कुछ एमिग्विटी है वही जस्टिस रिवर्स कुछ है आपको कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि क्या होगा पेंटिकल अपराइट गाइज आपको ऐसे लगता है कि आपको इतनी उम्मीद नहीं है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे फील हो रहा है कि आपको इतनी उम्मीद नहीं है कि जहाँ आप चाहते हैं आपके वहाँ शादी हो जाएगी लेकिन यूनिवर्स का यहाँ मैसेज है कि मैं कभी भी ऐसे नहीं करता हूँ कि जस्टिस ना हो आप जो डिज़र्व करते हो आपको उससे बेहतर ही मिलेगा वैसा ही मिलेगा टेन ऑफ एंटिकल्स दिस इज़ अ बिग फैमिली थिंग लाइक लिटरली वेरी कंटेंटेड हैप्पी फैमिली जिसके साथ आपकी शादी होनी है इनकी भी अपनी बड़ी फैमिली है और फाइनेंशियली uh, भी अच्छे खासे हैं ऐसा नहीं है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है सही सो दिस इज वट आई एम सींग फॉर दिस कनेक्शन आई वॉन्ट टू टेक टू मोर वट इज अप फॉर दैम थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड टावर रिवर्स गाइज़ पाइल नंबर वन आपके लिए क्लियर यूनिवर्स का मैसेज है वन एवर टावर कार्ड ये डायरेक्ट डिवाइन इंटरवेंशन होती है डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब क्या है जब डायरेक्टली गॉड इन्वॉल्व हो जाते हैं यूनिवर्स इन्वॉल्व हो जाती है आपके मामले में डायरेक्टली ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर डायरेक्ट ये मैसेज है कि आपको थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी में आना है स्टॉप कंट्रोलिंग थिंग्स ठीक है कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं जो होता हो जो नहीं होता ना हो यू लिटरली शुड नॉट इन गेट इन्वॉल्व इन एनी थिंग ओके पायल नंबर टू और पायल नंबर वन हाँ जो जो ठीक है रिश्ता कोई भेजता है भेजे नहीं भेजता ना भेजे आपने टेंशन नहीं लेनी ठीक है तो क्योंकि जो हो रहा है आपके बेहतर बेहतरी के लिए हो रहा है सही है तो जो हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है और जो नहीं हो रहा उसको ना हो उसको ज़रूरी नहीं है कि आपने वो करके रहना है समझो बहुत क्लियर बहुत ही शार्प मैसेज है ग्रुप वन आपके लिए गॉड के मतलब गॉड आपको साफ साफ बोल रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो मुझे पता है आपकी बेहतरी में क्या है ठीक है इवन ईफ़ आप किसी कनेक्शन में भी हो और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई हो सकता कोई हो कि आपका किसी का कनेक्शन है लेकिन आ, कुछ बात नहीं बन रही कोई एक पेज पे नहीं आ रहे सारे लोग तो जस्ट जस्ट फो गेट दैट ओके मैं ये नहीं कह रही उनको छोड़ दें लेकिन गॉड पर छोड़ दें ठीक है उनको ना छोड़ें लेकिन आप सारे मामले को गॉड पर छोड़ दें अगर तो गॉड ने इनको आपसे कर दिया तो ये याद रखना कि वो आपके साथ सेंसियर नहीं थे या उनकी इंटेंशंस कोई और थी ठीक है ये बात पक्की पक्की याद रखना यहाँ पे है मैसेज ये आई थिंक समबडी इज़ लाइक like, आपको अपना असल चेहरा नहीं दिखा रहे बट पाइल नंबर वन इसका मतलब ये नहीं कि अब सब अपने पार्टनर से लड़ने लगेंगे जाकर कि तुम झूठे हो फ्रॉड हो लेकिन यहाँ पे है कोई जिसका बहुत अच्छे से काम अटका हुआ है और वे बात नहीं हो पा रही बन नहीं पा रही कुछ रिश्ते की तो आपके लिए मैसेज है ओके जस्ट डोंट फोर्स थिंग्स टू हैपन जस्ट लेट इट गो गॉड छोड़ दो अगर उनको लैदा किया है तो आपकी बेहतरी होगी नहीं किया तो भी बेहतरी है सही है आगे चलेंगे फोर माला फाइल नंबर वन ओके आई वॉन्ट टू सी कि क्या है एनर्जी ग्रुप नंबर वन की जिससे शादी होगी वा वाओ फाइल नंबर वन यू सी योर चाइल्ड दिस इज योर फ्यूचर चाइल्ड ओके एंड दिस इज योर सो नर्चरिंग फीलिंग सो लवली एंड आई फील नर्चर्ड यहाँ पर मैसेज है शादी के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा ओके एंड यू आर आर गोइंग टू कंसीव बेबी वेरी सुन यहाँ पर लाइट पर्पल कलर जो है ये इंडिकेट करता है हीलिंग को ओके okay? हीलिंग को जाहिर करता है ये बेबी है दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट ओके दिस इज़ योर न्यू स्टार्ट और आपकी लाइफ में आई बिलीव यहाँ पर दो जो जो फ्लावर्स uh, लगे हैं इनके बालों में आई कैन ऑल्सो सीव यहाँ पर मैसेज मुझे ऐसे चैनल हो रहा है कि मे भी um, जो भी आई कैन सीविंग uh, ट्विन्स ठीक है तो ट्विन्स की भी एनर्जी हो सकती है फोर फाइल नंबर वन थिंग सो आई विल होप चाहिए सो दिस इज लव इज़ होपफुल जैस स्टे होपफुल आपकी मैरिज के लिए um, कि यहाँ पर ज़्यादातर आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में और आपके जो फ्यूचर्स स्पाउस हैं उनकी तरफ से बात कीजिए आई एम चेरिश्ड ये बंदा इतना ग्रेटफुल होगा इतना शुक्र जिस कहते हैं ना करना और लिटरली धन्यवाद और ऑफ़ लाइक लिटरली जा करके गॉड का जा के टेकें और क्या कुछ ये वो ठीक है ना इतना ये हैप्पी होगा आपको लेकर अपनी लाइफ में और गैज इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है आपको बता दूँ इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है और आ, आ, बाल भी इनके बस मीडियम लेंथ में ही हैं ना तो बिल्कुल छोट छोटे छोटे हैं ना ही काफ़ी लंबे हैं ओके लेकिन इनके बाल इतने ज़्यादा थिक नहीं हैं इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है थोड़े थोड़े कम है ठीक है थोड़े से काम है ज़्यादा नहीं सो फॉर अ फ्यू फ्यू अगर ये अब्रॉड से हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इनकी बालों का कलर ब्लॉन्ड हो सकता है लेकिन नॉट फॉर एवरीबडी ओके यहाँ पे कल्चर डिफरेंस है मुझे दिखता है कल्चर कास्ट कंट्री रिलीजन कुछ भी डिफरेंस हो सकता है ये लोग किसी और रेस या यानी सेक्ट से बिलोंग करते हैं ओके सो लेट्स सी मोर About your person, who will you marry? Okay, group number 1 who will you marry? Orphan. फन यहाँ तो ये बंदा अकेला रहता है कहीं पर ठीक है या इनके पेरेंट्स इनके साथ ऐसे ही नहीं रहते हैं या फिर हो सकता है उनकी डेथ होगी भी हो ठीक है लेकिन ये भी हो सकता है कि बंदा कहीं पर वैसे ही काम के सिलसिले में अकेला रहता है पॉसिबिलिटी है हाई चांसेस हैं फ्यूचर स्पाउस ग्रीस रोमन वह कुछ यूरोप की वाइब हो सकती है मे बी दे आर यहाँ तो वहाँ के रहने वाले हो यहाँ पर वहाँ काम के सिलसिले में गए हो सकते हैं यहाँ पे इनको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होगा इनकी सब्जेक्ट हिस्ट्री हो सकती है ठीक है ऑल्सो यू गेटिंग गलेक्टिक काफ़ी ये इमेजिनेटिव है इंसान काफ़ी इमेजिनेटिव ठीक है और दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं सारी जैसे मून स्टार्स प्लानट्स ये वो हो सकता है इनको उसमें भी इंटरेस्ट हो क्या है फूड एंड हंगर सो मे बी कुछ कनेक्शन हो इनकी प्रोफेशन का फूड से ठीक है अनेस करेंगे चनल मैसेज मे भी आपके पर्सन वो फूड बुक बैगर्स नहीं हैं जो यूट्यूबर्स जिस टाइप के लोग उनसे भी कुछ कनेक्शन हो सकता है जिनके फैमिली में कोई है बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज है किसी के लिए आर्मी या पुलिस में जाने के बहुत शौक़ होगा लेकिन लाजमी नहीं है कि उसमें पास हो भी जाए टेस्ट में ठीक है आई थिंक ही विल एंड अपू इंग जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जॉब करेंगे और उसके बाद आई थिंक सेकेंड भी ये जॉब ही करेंगे फिर शायद उसके बाद इनकी शादी हो जाए आई वॉन्ट टू सी क्या अपना कारोबार करते हैं अपना बिजनेस करते हैं कि इट जस्ट फॉर जॉब थिंग गाइज़ आई थिंक ये जॉब ही करते होंगे लेकिन जॉब इनकी अच्छी है और कुछ लोगों के केस में जिप्ट आया है मे बी यू में या कहीं और कंट्री में जो जॉब करते हो लेकिन जॉब अच्छी खासी वेल पेइंग है सो ऐसा कोई सीन नहीं है ठीक है तो आई वांट एस सी कि ये कौन सी कंट्री में होंगे या जॉब करते होंगे लेट्स कुछ कंट्रीज़ के नाम इंडोनेशिया रोमानिया जर्मनी इंडिया फ्रांस साउथ कोरिया ठीक है ये कुछ कंट्रीज हैं आप इनके आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी कंसीडर कीजिएगा प्लीज ओके लेट्स मूव हेड एंड सी मोर अबाउट योर स्पाउस ओके फाइल नंबर वन ओके ग्रुप नंबर वन और स्नैक्स डीप आईज़ काफ़ी इनकी गहरी आँखें हैं और होम डिलीवरी कुछ कनेक्शन हो सकता है फॉरेन कंट्रीज़ में भी अक्सर लोग होम डिलीवरी का काम करते हैं शुरू शुरू में जा ना एडजस्ट होने के लिए सो में भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, चॉकलेट ब्राउन स्किन है डिवाइन यूनियन वाओ ये तो बहुत ही प्यारा मैसेज था वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी तुम्हे से दूर क्यों भागती हो यंगेस्ट ठीक है शिवलिंग्स में कैनेडा पाय लवर वन सिंगल पेरेंट के जी ज्वलरी लवर एंड बैलेंस योर मैस्क एंड फैमिल आई थिंक um, कुछ इनके केस इस तरह के कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार में छावर करने लग जाएंगे इनका कोई थो, <laughs> थोड़ा इनका ड्रॉबैक है इनकी कमी है थोड़ी सी नो बड़ी परफेक्ट ये बात याद रखना ठीक है ना आप भी परफेक्ट नहीं हो मैं भी नहीं हूँ कोई भी नहीं है दुनिया में ठीक है सो ऑल्सो वन आज सी यू ये बंदा डेस्पिरेटली वॉन्ट टू सी यू ग्रुप नंबर वन डेस्पिरेट है ये बंदा बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए ओके सो लेट सी मोर अबाउट दम एंड वन आम पैल नंबर वन नेमी शर्स Well, यहाँ पे है ई एन आर आई एन जे बी डब्ल्यू पी एफ एक्स वी एच एंड सी ये जी है जी ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर वन I will see you on your reading next time. Okay, so take care and bye bye. <laughs> hello, my love, hello. नंबर टू वेलकम टू योर रीडिंग लेट्स सी क्या निकल कर क्या आता है आपके लिए क्या सिचुएशन है जिससे होगी आपकी शादी जिससे होगी हु इज दिस पर्सन कौन है ये कब कैसे कहाँ क्या कनेक्शन बनेगा यहाँ लेट्स वर्ट्स ऑफ यू ओके फाइव ऑफ सोर्स आपके लिए है स्ट्रेंथ किससे होगी आपकी शादी एट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है भी आपके लिए मून। ओके ग्रुप नंबर टू आपकी शादी के लिए मुझे जो चीज़ सबसे विजिबल लग रही है आई थिंक पायल नंबर टू मे बी दिस इज़ गोइंग टू बी लव मैरिज ओके और लव मैरिज भी वो वाली कि जिसमें आई थिंक आप स्टैंड लेंगे ख़ुद के लिए खुद की प्यार के लिए मे भी आपके पेरेंट्स चाहते होंगे कि आप अरेंज मैरिज करो या वो आप उनकी विश की शादी करो लेकिन यहाँ पर हाई चांसेस हैं फॉर पायल नंबर टू कि आप आई थिंक मोस्टली यहाँ पर यही एनर्जी कि यू विल गो फॉर योर ओन चॉइस ओके और मुझे यहाँ देखते है ग्रुप टू की पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी लड़ाई भी हो या आपको रोना भी पड़े या काफ़ी यू नो फाइटिंग मुझे यहाँ दिख रही है लेकिन आप स्ट्रॉग रहोगे यूपी गलाई कि नहीं मेरे को मेरी मर्ज़ी की ही शादी करनी है ओके okay? लेकिन यहाँ पर ये चीज़ वर्थ मैंशनिंग है पॉइंट नंबर टू कि इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स से जाकर झगड़ना शुरू हो जाओ या इस तरह से ठीक है इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी ठीक है मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर मत करो कि मुझे मेरी मर्ज़ी की शादी करनी है आप इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें कि जो गॉड की मर्ज़ी है जो गॉड ने मेरे लिए लिखा है जो मेरे लिए बेहतर है उससे मेरी शादी हो क्योंकि आप अपने हमेशा हमेशा याद रखना अपनी मैनिफेस्ट मतलब मैनिफेस्टेशन के लिए हमेशा अपने चॉइसेस को आपने ओपन रखना है गॉड के आगे ओके कि गॉड जो आपकी मर्ज़ी है वो ही मैं आ, मैनिफेस्ट करूं क्योंकि आपकी अपनी जो है पसंद उसमें आपको धोखा हो सकता है उसमें आपको चीटिंग मिल सकती है लेकिन जो गॉड ने आपके लिए चुना होगा ना वो कभी भी आपके लिए ना चीटिंग होगी ना परेशानी आपके लिए क्रिएट करेगा ओके पाइल नंबर टू तो यहाँ पर काफ़ी हाई चांसेस इस चीज़ के मुझे दिखते हैं तो आप में से कोई अगर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है अपने पेरेंट्स के साथ तो यू शुड स्टॉप डूइंग दैट ओके okay? बिकॉज आई फेल्ट समथिंग फॉर सम बडी कोई है तो यू कैन पोस्ट योर कमेंट आई कैन गाइड यू ओके द स्टॉप फाइटिंग द स्टॉप फाइटिंग ओके लेट्स यू विल यू मैरी थ्री ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ सोर्स ऑफ माई गॉश बहुत ही डॉमिनेट एनर्जी है इस चीज़ की फाइटिंग की हार्ट ब्रेक की लड़ाई झगड़े की ओके हाइल नंबर टू आपके पर्सन की एनर्जी भी यही हो सकती है हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ उनको आपसे शादी करनी है मे भी आप किसी के साथ कनेक्शन में हो और अगर नहीं भी स्टिल तो स्टिल आई आई कैन सी दिस हैपनिंग इन नियर फ्यूचर ओके तो आई थिंक यस ये बहुत ही कपल लविंग है एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने वाला है और आई बिलीव फॉर दिस कनेक्शन के आ, ये बंदा बहुत ही आपको अच्छा मतलब अपने लिए परफेक्ट मानता है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स यस योर मॉम इज कमिंग अप एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एट ऑफ कॉस्ट गाइज हो सकता है आपके पेरेंट्स आप में से कुछ लोगों के ऐसे हैं वो पहले चाहते हैं कि आप अपना करियर बना लें या कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं वो आपसे बोल रहे हैं आपके कि, कि आप बाहर चले जाओ बाहर जाकर पढ़ लो आ, मतलब बाहर की फॉरेन कंट्री में ठीक है तो ये भी पॉसिबिलिटी है आप इस कनेक्शन को छोड़कर शादी की सोच को छोड़ कर के बाहर चले जाओ यहाँ हो सकता है आपकी अपनी सोच है कि मुझे पहले करियर बनाना है ठीक है क्योंकि मुझे यहाँ पर टेम्प्रेरी ब्रेक लगता है दिख रहा है लेकिन हया गंग हंग वुमन है यहाँ पर टेम्प्रेरी ब्रेक होगा लेकिन आए उसके बाद की जो है ना फेज़ वो आप के लिए स्ट्रेसफुल बिल्कुल भी नहीं होगा और उसके बाद जो रस्ते खुलेंगे ना वो आपके इन रस्तों से भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अगर आप थोड़ा सा सब्र रख सको धीरज रख सको जजमेंट जो करोगे वो सामने आएगा ओके okay? तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि हमेशा अपनी चॉइस गॉड के आगे ओपन रखें ताकि वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको दें ओके वेल हु इज़ गोइंग टू मैरी यू सिक्स ऑफ कप्स कुछ कनेक्शन है आपके पास्ट से थोड़ा इमोशनल बंदा है या इस टेम्पर से काफ़ी इमोशनल है पायल नंबर टू ये तो बहुत पोजेसिव है काफ़ी इमोशनल है और इसका अपने खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं आता ये कुछ भी कर जाता है गुस्से में आता है तो सिर्फ आप ही हो जो उसको हैंडल कर सकते हो ओके फॉर फ्यू ऑफ यू पाइल नंबर टू ये वो है जिसने जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है ठीक है जिसका बहुत लड़ाई की है और अब ये कनेक्शन यहाँ पर आके खड़ा हो गया है कि ये बंदा आपके बिना रह भी नहीं पा रहा और आपसे कह भी नहीं पा रहा कि कैसे आपसे मतलब प्रपोज करें या किस तरह मैरिज का बोले एम लेकिन इसने डिसाइड कर लिया कि नहीं कुछ ना मुझे ख़ुद के लिए जो है वो स्टेप लेना है टेम्पर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ यही बोलती है ओके okay? ये बंदा बहुत कमिटेड है और आपकी शादी भी आई थिंक दे एल्डर टू यू एज में बड़े हो सकते हैं इनके फेशियल हेयर हो सकते हैं ठीक है और ये थोड़ा थिक है बॉडी वाइज़ ना बहुत एक्स्ट्रा स्लेम नहीं है लिटिल बिट थिक और कुछ लोगों के केस में थोड़ा ज़्यादा ही थिक ठीक है अबाउट मसल्स ओके सो प्लीज़ डोंट एक्टिव योर डटी माइंड सो या मसल्स इनके बायसअप्स वगैरह काफ़ी थिक हैं था और काफ़ी हेल्दी हैं ओके सो या लेट सी मोर एंड दिस इज द फूल एनर्जी फुल एनर्जी इज ऑल अबाउट के पर्सन काफ़ी आज़ाद तबीयत का है और ये भी हो सकता है आप लोग मिले भी वहाँ पर जहाँ पर आप दोनों आज़ाद घूम रहे एम टोकन अबाउट लाइक मे बी समकेशन एरिया या आप अपनी फ्रेंड्स के साथ हो कहीं पर कज़न्स लोगों के साथ कहीं घूमने गए हो कुछ लोगों के केस में बीच मुझे दिखता है क्योंकि मुझे यहाँ पर स्विम सूट नज़र आ रहा है बीच या स्विमिंग पूल का एरिया हो सकता है ठीक है या आपकी कॉन्वेकेशन हो सकती है यहाँ पर कोई इवेंट है आई गेस कोई कोई सेरेमनी किसी किस्म की ऐसी ठीक है यहाँ पर आपकी जो वर्क है जहाँ आप काम करते हो जो आप सिलसिले में ये बंदा मिल सकता है वहाँ टेन ऑफ कप्स ये बंदा आपको आपकी फैमिली अपनी फ़ैमिली से इंट्रोड्यूस कराएगा ठीक है बहुत जल्द ही कनेक्शन में आने के बाद ये पर्सन आपको अपनी फ़ैमिली से इंट्रोड्यूस कराएगा और अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं कि जिसने आपको अभी तक अपनी फ़ैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया पाइल नंबर टू तो दिस इज़ नॉट द वन ये वो नहीं है सॉरी टू से बट दिस इज़ नॉट योर पर्सन व्हील ऑफ द फॉर्चून है यहाँ पर योर डेस्टनी जो है ना आपकी डेस्टनी वो वर्क करेगी यहाँ पर टेन ऑफ सोर्स बार बार एक मैसेज आ रहा है अवॉइडिंग एक्सट्रीमली अवॉइडिंग लेकिन बार बार आप मुझे बताने का मैसेज आ रहा है पायल नंबर टू बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके लिए ये वो इंसान है जिसके साथ आपने कनेक्शन तोड़ दिया था यानी कि आपका एक्स ठीक है आई नो एक्स आपको अच्छा नहीं लगता ठीक है और अभी आपका दिल कर रहा है कि आप जो है ना <laughs> क्या कर दें मेरे साथ लेकिन द थिंग इज़ कि बार बार मैसेज आ रहा है आई थिंक अगर तो देखो आपकी अपनी मर्जी है आपको एक्स को वापस लेना है ज़िंदगी में कि नहीं लेना है ठीक है मैं नहीं वैसे नॉर्मली रिकमेंड करती क्योंकि एक्स इज़ एक्स फॉर सम रीज़न ओके सो एवरी एक्स इज़ नॉट गुड कुछ लोग कार्मिक होते हैं जो को आपका लेसन सिर्फ सिखाने आते हैं कि इस तरह से करना था तुमने क्या किया है ओके सो वहाँ से लेसन लर्न करें आगे चलें और लाइक लिटरली यूनिवर्स इज़ देर फॉर यू टू वेलकम अ न्यू अपॉर्चुनिटी लेकिन अगर एक्स आपका ऐसा है कि हु कैन ट्रांसफॉर्म वैसे लोग ट्रांसफॉर्म नहीं होते बता तो दूँ मैं पहले लेकिन इफ़ ही कैन ट्रांसफॉर्म अगर उसने आपको लगता है कि ट्रांसफार्म न हो अगर आपको कोई प्रैक्टिकल दिखा रहा है कि ये देखो मैं चेंज हो गया हूँ तो सिर्फ तो आप उसको वापस लीजिएगा ओके बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू शादी के लिए प्रपोज़ भी करेगा आपसे आके सॉरी भी बोलेगा आपसे आके बड़ा कुछ करेगा ए नहीं लेट्स मूव एडेंसी के हरमेट बहुत ये बंदा परेशान है बहुत ज़्यादा टेंशन में है और आपसे दूर होकर इसने लगता कि दुनिया इसकी ख़त्म हो चुकी है आई थिंक जिसके पास ही गया था ना मे बी थर्ड पार्टी इज़ नॉट ट्रीटन डैम वेल उसने इनको छोड़ दिया थर्ड पार्टी ने बंदा बिल्कुल अकेला है hmm. yes, बिल्कुल तनहा रातों को जागता है वो उसके साथ नहीं है आपके बारे में सोचता है कि मैंने क्यों उसके साथ बुरा किया किंग ऑफ़ पेंटिकल्स लेकिन ये सोचता है कि मैं अगर स्टेबल हो जाऊँ तो मैं आई थिंक इसको वापस पा सकता हूँ मेरे काफ़ी होपफुल है कि आप यस बोल दोगे <laughs> ये तो आपका अपना दिल का अच्छापन है ना कि लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं वैसे ऐसे ही लोगों का ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है गलत जो लोग जल्द माफ़ कर देते हैं और लोगों को पता होता है मान जाएगा सही है सहूलत सी आगे चल के देखते हैं कि क्या है हु इज़ द वन फॉर यू फाइल नंबर टू फादर फॉर ऑफ यू फू यहाँ तो ये फादर फिगर हैं आपसे एज में ज़्यादा बड़े होंगे यहाँ आपको बिल्कुल फादर की तरह ट्रीट करेंगे लिटरली लविंग यू ठीक है आपको प्यार मोहब्बत पूरी देना ठीक है और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये सिंगल फादर हो ठीक है इनकी वाइफ इनको छोड़ गई हो मेडिसन मैन या मेडिसिन वुमन ये बंदा आपके लिए हीलिंग लेके आएगा ये मैं बता दूँ ठीक है आप खुश रहोगे इनके साथ बहुत ज़्यादा हु विल यू मैरी राइटर इनको लिखना अच्छा इनके डायरी लिखते हैं जर्नलिंग करते हैं वैसे नॉर्मली भी यहाँ पर ये राइटर हो सकता है किसी किस्म का ओके okay? पोइट हो सकता है एनी थिंग लाइक दैट ये भी हो सकता है हम आर्ट्स आर्टिस्ट हो सकते हैं ये ठीक है किसी भी किस्म का आर्टिस्ट डिजाइनिंग राइटिंग वेब डिज़ाइनिंग इंटीरियर डिजाइनिंग यहाँ पर किसी भी किस्म का कुछ भी डिजाइनिंग से रिलेटेड करते हो सकते हैं ये इमोशनल है वाटर साइन हो सकते हैं पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो बेबी बाद दोबारा बच्चे की एनर्जी आई है ग्रुप नंबर टू तो लाजमी नहीं है कि इनका बेबी है कोई फ़ादर हैं ये हो भी सकता है लेकिन ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पे ये यह है कि ये कनेक्शन एक रीन्यू होगा समझे आप मतलब ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा जस्ट लाइक अ न्यू बेबी जैसे नया बेबी बर्थ बॉर्न होता है तो सब कुछ उसका नया होता है ना इस तरह से ओके फॉरगिवनेस है यहाँ पर फॉरगिवनेस ये चाह रहे हैं आपसे सो so, लेट्स सी आप क्या करते हो ट्रस्ट इन फेथ है यहाँ पर सो so, यहाँ पर ये यह एनर्जी है पायल नंबर टू के ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी है ओके ट्रस्ट वर्दी है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है फेथ और आप आप पे आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करोगे इस बार ठीक है क्योंकि आई थिंक ट्रस्ट इन्होंने ब्रेक करा है ग्रुप नंबर टू अगर आपसे ये इंफॉर्मेशन नहीं हो रही ना लास्ट मिनट तो पायल टू आप वन देख लो जाके सही है लेकिन हैवी इनर्जीज़ हैं इस चीज़ के बारे में हैवी एनर्जीज़ हैं हु विल यू मैरी आपके कुछ फ्रेंड्स या फैमिली वाले रिश्ता करवाएंगे पॉसिबिलिटी है ठीक है और आप उनकी एक्सेप्ट करनी चाहिए उनकी ऑफ़र या उनकी प्रपोजल जो वो मान कह रहे हैं आपसे रिलीजियस फैक्टर कुछ ना कुछ कनेक्शन है किसी और कास्ट का रिलीजन या कंट्री का ऑल्सो स्टोमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ ओके आपने पॉजिटिव रहना है हर समय जो है हर वक्त समय जैसा नहीं रहता चीज़ें चेंज चीज़ होती हैं लोग चेंज हो जाते हैं अपने जहन से एक फिक्स्ड जो है ना माइंड सेट उसको बदलो एंड गेट कंफर्टेबल विद द चेंज देखा रिकंसिलेशन फ्रॉम योर पास इज रिटर्निंग टू लाइफ सो आपके पास से कनेक्शन है इनका बंदा बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी रोमांटिक फीलिंग्स रखता है इसको काफ़ी आपके ख्वाब भी आते हैं रिट्रीट हो सकता है ये बंदा आपको लेके कहीं और रहना चाहता है अपनी फैमिली से दूर ठीक है तो ऐसा इनका मानना है यू डिज़र्व लव आप वहाँ डिजर्व करते हो ये वो जानते हैं ओके एक्सप्रेस योर लव आई थिंक पायल नंबर टू या तो ये आपके पास आएंगे अपनी मोहब्बत का इजहार करने या ये आई थिंक आपसे किसी ग्रीन सिग्नल का वेट करें कि आप थोड़ा सा उनको अगर सिग्नल दो तो ये आके 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 आपसे बात करें ठीक है हनी यस yes. इनके बड़े यार <laughs> बड़े इनके रंगीन मिजाज हैं इनके माइंड में बड़ा कुछ चलता है ठीक है सो मैनी प्लानिंग सो मैनी दिस ऑफ थिंग्स सेपरेशन टाइम हाँ 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 आई थिंक यहाँ तो आपकी सेपरेशन चल रही है अभी यहाँ पर ये बंदा सेपरेशन फ़ेस कर रहा है फ्रॉम देयर पार्टनर जो कि थर्ड पार्टी थी hmm. कुछ तो है पायल नंबर टू ऐसा बट आपके लिए सेफ़ है ये कनेक्शन ठीक है नो no मैटर ये बंदा थर्ड पार्टी के साथ कैसा था आपके लिए ये बंदा बिल्कुल सेफ है दिस इज़ फॉर श्योर ओके पायल नंबर टू लेट्स की जोड़ी एक साइन वगैरह ओके जी ये टॉयस एनर्जी है और ये थर्ड नंबर मार्च की जो है कैपरिकॉर्न और पाँच नंबर ठीक है पाँच नंबर इज़ द नंबर ऑफ चेंज बदलाव ओके और कैप्रिकॉन फिक्स्ड साइन है कैप्रिकॉन्स आर वेरी वेरी लाइक इनको जो फीड हो जाए माइंड में फिर वो बदलते नहीं हैं ठीक है कभी भी चेंज नहीं होते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है स्कॉर्पियो के साथ यहाँ पे एठ नंबर एठ साइन इज़ द नंबर ऑफ कारमा ठीक है बट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड सो हमेशा याद रखना से ओके सॉरी इज एंड सेकंड नंबर ठीक है फेबररी कैंसर सेकंड नंबर अगैन दिस इज स्पाइसिस एंड दिस इज वन ओके जनवरी सो ये तो तीन इनके जोड़े एक साइन आगे हम इनकी तरफ से और मैसेजेस देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप नंबर टू पार्टनर के आर यू गोइंग टू मैरी पाइल नंबर टू ओके देखा थर्ड पार्टी नोट रिटिंग दैम राइट भाई सेम बड़े मैसेज में निकल रहे हैं सेम चीज़ें न्यूयॉर्क सिटी कैनेडा फॉर गेव मी सो डिवाइन यूनियन सिंगल पेरेंट सेम चीजें निकल रही हैं जो कार्ड में निकली हैं अगर आपने पूरी रीडिंग देखी है मॉडल या सिंगर साउथ कोरिया बाउसी हेयर इनके बाल काफी अच्छे हैं हल्दी हैं बाउसी टाइप फ़ेमस हो सकता है ये पर्सन ठीक है या हो सकता अपनी फ़ैमिली में काफ़ी फ़ेमस हो वेवी हेयर और सो तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता मैं डेट ऑफ बर्थ इनकी ट्वेंटी सेकेंड से थर्टी वन के बीच में हो सकती है या हो सकता है आपकी हो साउथ अफ्रीका क्लासमेट या आपकी स्कूल uh, टाइम से हो सकता है आप इनको जानते हो दिस इज़ जापान जेंटलमैन है ये सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर यू मैकेनिक्स में हो सकते हैं इनकी डिग्री मैकेनिक्स में हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समथिंग टू डू विथ हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर डेल्स इन क्रिप्टोकरेंसी ओके so let's move ahead and see their name initials okay file number two name initials of your person okay okay guys well b and w एफ बी एफ बॉय फ्रेंड मे बी दे आर योर बॉय फ्रेंड कर बॉय फ्रेंड यू आर सी डी आर डॉक्टर मे बी वी एंड जे सो विजय नाम हो सकता है यहाँ वैसे ही जय नाम हो वरुण नाम हो सकता है एक्सए एच ई एस एन Okay, guys, so that's it for today. I'll see you next time. Take care and bye bye.